हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को डराने के लिए भूतों की कुछ सच्ची और बेहद ही डरावनी कहानियां लेकर के आया हूं। ये कहानियां आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी, तो चलिए पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सन 2010, शहर नोएडा। नोएडा में दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ काम करने, कोई बिहार से तो कोई झारखंड तो कोई उत्तराखंड और भी कई जगह से यहाँ लोग आते हैं। मेरा दोस्त बिहार से आया था। मेरे दोस्त का नाम गुलशन है। यहाँ पर वो एक रूम पार्टनर के साथ रहता था जिसका नाम रजत है। मेरा दोस्त एक रात थक हार के काम करके आ रहा था, तभी उसके पास एक आधी जली टिकट गिरती है। उसने उसे उठाया, थोड़ा ध्यान से देखने पर पता चला कि वो लॉटरी की टिकट है जो एक तरफ से जला था। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। उसने उसे अपने जेब में रख लिया और आगे बढ़ा। जब वो उस मकान में पहुंचा जहां वो किराएदार था, तो उसने देखा अपने पड़ोस वाली छत पे कोई व्यक्ति खड़ा है। उसने इतना ज़्यादा नहीं सोचा और अपने रूम पार्टनर से पूछा, कितने लोग आए हैं हमारे पड़ोस में? रजत ने कहा, कितने लोग मगर कहाँ? गुलशन ने कहा, पड़ोस में। रजत बोला, कोई नहीं आया है, खाना बना जल्दी। तभी गुलशन ने कहा, पर मैंने देखा था यार, अंदर ही अंदर कहता, शायद ये मेरा भ्रम होगा। गुलशन ने वो लॉटरी टिकट की बात रजत को नहीं बताई। दोनों खाना बना के खा पी के सो जाते हैं। अगले दिन रजत अपने काम पर निकल जाता है। गुलशन आज छुट्टी कर लेता है। उसकी सेहत थोड़ी खराब थी, मगर फिर भी वो सोचता है जो गंदे कपड़े हैं उन्हें धो लिया जाए। जब वो पजामे में देखता है कुछ है तो नहीं, उसे कुछ नहीं मिलता। वो लॉटरी की टिकट ढूंढने लगता है और सोच में पड़ जाता है, पता नहीं कहाँ खो गया। अब जब गुलशन कपड़े सुखाने छत पे जाता है, तो फिर वही व्यक्ति को देखता है जिसको उसने पिछली रात को देखा था। वो उनसे बात करता है और कहता है, मुझे पता था मेरी आँखें धोखा ही नहीं खा सकती। कितने दिन से रह रहे हो आप बताओ, क्या नाम है आपका ये भी बताओ। मगर उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। वो बस देख के अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, जो एक अलग बात ही थी। गुलशन मन ही मन बहुत घमंडी लग रहा है, छोड़ो मुझे भी बात नहीं करने। अब रात को खाना खाते समय गुलशन रजत से कहता है, मैंने कहा था ना पड़ोस में कोई आया है। आज मैं जब छत पे कपड़े सुखाने के लिए डालने गया तो मैंने उसे फिर देखा। रजत ने कहा, क्या बात कर रहे हो तुम, मैं उसी तरफ से आता हूँ। मैंने देखा गेट पे बड़ा ताला लगा था और उस पर बहुत ज़्यादा धूल जमी थी। ये बता, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया है? गुलशन, तू पागल है, मैं नहीं। दोनों लड़ते हैं थोड़ा और फिर सो जाते हैं। अब अगले दिन गुलशन भी देखता है बड़ा ताला लगा था पड़ोस वाली गेट पे, तो कैसे कोई अंदर जा सकता है। अब रात में गुलशन आता है, वो फिर उसी व्यक्ति को खड़ा हुआ देखता है और इस बार कुछ अलग हुआ था। वो व्यक्ति गुलशन को देखकर मुस्कुराता है और वही लॉटरी की टिकट वापस उसके पैर के पास नीचे गिरती है। गुलशन तुरंत भागता है, वहां से रूम का गेट बंद करके रजाई में घुस जाता है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो क्या करे। कुछ समय बाद रजत आता है। गुलशन कहता है, भाई बाहर जा और पड़ोस वाली छत पे देख कोई है क्या। रजत, मगर क्यों? गुलशन कहता है, जा तो सही। रजत जाता है मगर उसे पहले कुछ नहीं दिखता, मगर जब वो पड़ोस वाली छत पे देखता है तो एक व्यक्ति खड़ा था जो एक अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। रजत उल्टे पैर कुछ करने के बजाय सीधा रूम में आ गया और थरथराने लगा। उसके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। गुलशन बोला, अबे कुछ तो बोल, क्या हुआ? रजत, बस चुप हो जा, हम दोनों कल ही यहां से दूसरी जगह कमरा ले लेंगे। वो दोनों मकान मालिक के पास जाते हैं अगली सुबह और कहते हैं, हम खाली करना चाहते हैं रूम, जो हमने आपको एडवांस में पैसे दिए हैं वो आप हमें दे दो। मकान मालिक कहता है, वो तो नहीं मिलेगा, जब तक किराया दिया है तब तक रहो या चले जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। गुलशन और रजत और कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे
कि दूसरी जगह कमरा ले सकें, और नोएडा जैसे शहरों में मुश्किल से ही कमरे मिलते हैं, और जो मिलते थे वो भी महंगे ही होते थे। अब गुलशन और रजत के पास कोई और रास्ता नहीं होता, वो बिना आसपास देखे बगैर अपने कमरे में चले जाते हैं। मगर गुलशन थोड़ी हिम्मत करता है और फिर बाहर जाता है और पड़ोस वाले छत पे देखता है, उसे कुछ नहीं दिखता। वो ये फैसला करता है कि कुछ तो है यहाँ जो मुझे परेशान कर रहा है, मैं पता लगाऊंगा। अब अगले दिन से गुलशन अपने पड़ोस वाले मकान के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। आसपास से लगभग सभी लोग नए ही होते हैं, इसीलिए किसी को ज़्यादा कुछ पता नहीं था। बस इतना कि यहाँ एक 5 लोगों का परिवार रहता था। गुलशन एक और व्यक्ति के पास जाता है जिसका घर यहाँ बहुत पुराना था। वहाँ एक बुजुर्ग अपने परिवार के साथ रहता था। वो उनसे पूछता है, चाचा आप मकान नंबर 441 के बारे में कुछ जानते हैं क्या? चाचा ने पहले कहा, पहले तो ये बताओ तुम हो कौन? गुलशन ने कहा, चाचा मैं मकान नंबर 435 में किराएदार हूँ। मुझे मेरे पड़ोस के मकान के छत पे एक व्यक्ति दिखता है, वो अलग अलग तरीके से अजीब तरह के मुस्कुराता है। मैं और मेरा दोस्त रजत बहुत परेशान है, कृपया कुछ सहायता करें। तब चाचा ने कहा, सुनो मकान नंबर 441 में कुछ 5 लोग रहते थे। उन 5 में से एक नौकर रहता था, बाकी 4 लोग उसके मालिक थे। वो नौकर एक पैर से लंगड़ा था तो बहुत कम रुपए उससे मिलते थे। वो 4 लोग 2 भाई और उनकी बीवियां थीं। वो उस नौकर के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, उसे ज़्यादा काम कराते थे और पैसे बहुत कम देते थे। वो नौकर जिसका नाम सत्येंद्र था, उसने वहाँ से छोड़कर कहीं और काम करने का फैसला किया। मैंने उसे काम दिलाने में मदद की थी। कुछ समय बाद उस नौकर ने वहाँ से नौकरी छोड़ दी। उस मकान के लोगों ने बहुत बुरा सुनाया उसे। दोनों भाई कहने लगे, अबे जा अपाहिज, देखता हूँ कौन नौकरी देता है तुझे, और चोर है तू, ये सब कह के भगा दिया और उसकी बची तनख्वाह भी उसे नहीं दी। अगले दिन उस नौकर ने 100 रुपए की लॉटरी की टिकट खरीदी और इत्तेफाक से उसकी लॉटरी लग गई थी, जिसका इनाम 25 लाख था। ऐसा मानो कि उसकी जिंदगी सवर गई थी। उसके कुछ दिन बाद ही उसका कुछ पता नहीं चला। गुलशन, क्या आपके पास उस नौकर की फोटो है? तभी चाचा ने कहा, शायद हाँ, क्योंकि वो नौकर हमारे यहाँ भी पहले काम करता था। मेरे पिता को और मुझे वो अच्छे से जानता था, मगर हमने उसे निकाल दिया था क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। मेरे पिता को व्यापार में नुकसान हुआ था। चाचा उसे फोटो देते हैं। गुलशन वो फोटो देखते ही बेहोश हो जाता है। उसका रूम पार्टनर रजत उसे ढूंढते हुए आता है और अपने कमरे पे ले जाता है। रजत कहता है, क्या हुआ भाई, उठ जा। गुलशन कुछ समय पश्चात उठता है और कहता है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तब रजत कहता है, तो उन चाचा के घर वहाँ बेहोश क्यों हो गया था और वहाँ तू गया ही क्यों था? पता नहीं कैसे लोग हैं। गुलशन ने कहा, मैं ठीक हूँ, चिंता मत कर, चल खाना बनाते हैं, और खाना पीना खा के सो जाते हैं। गुलशन बस फैसला करता है, अब वो उस मकान के अंदर जाएगा और वो अपने छत के रास्ते से पड़ोस के छत पे छलांग लगाता है और मकान के अंदर घुस जाता है। उससे फिर से वही नौकर दिखता है। गुलशन कहता है, मुझे पता है आप अच्छे हो, आप मुझे कुछ नहीं करोगे। वो नौकर की आत्मा एक डरावनी मुस्कुराहट लेकर गुलशन की तरफ लंगड़ाते हुए बढ़ रहे थे। गुलशन कहता है, नहीं बस अब नहीं, मैं जानता हूँ आप अच्छे व्यक्ति हैं। वो नौकर और पास पहुँचता है और उसका गला पकड़ के दबाने लगता है। रजत को इस तरफ कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, गुलशन कहाँ चला गया। वो नौकर बस गुलशन का गला दबा के मार ही रहा था, तभी गुलशन अपनी जेब से वो लॉटरी का टिकट निकालता है और उसे दे देता है। वो नौकर की आत्मा फिर भी उसे मारना चाहती थी, मगर गुलशन कहता है, देखिए मुझे आपके बारे में पता है, मैं आपकी सहायता करूँगा, कृपया मुझे बताएं, मैंने सुना आपकी लॉटरी लगी और उसके बाद ही आप कहीं गायब हो गए। तभी वो सत्येंद्र की आत्मा रोने लगी, ये लॉटरी का टिकट नहीं है,
मेरी मौत का टिकट है। मैं खुश था, मेरी लॉटरी लग गई, मगर उसी शाम मुझे मेरे मालिक ने बुलाया जिस मकान में मैं काम करता था, मकान नंबर 441। मैं देख रहा था जो मुझे पहले इतना परेशान करते, अब वो मुझे अच्छे से बात कर रहे थे मुझसे। कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारी लॉटरी लग गई है, हमने सुना। सत्येंद्र ने कहा, हाँ तो वो टिकट तुम हमें दे दो, हम ज़्यादा अच्छे से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सत्येंद्र ने कहा कि तभी मैं सोचूं आज कैसे महान बन रहे हो आप लोग। उन भाइयों ने धमकी दी, अगर वो तूने हमें नहीं दिया तो अंजाम बुरा होगा। सत्येंद्र ने कहा, देखते हैं कि क्या होगा। उन दोनों भाइयों में से एक भाई ने मुझे पकड़ लिया और दूसरे भाई ने मेरी जेब से वो टिकट ले लिया, और साथ में उनकी बीवियां भी, जो चाकू लेकर के मेरे हाथ पैर में मारने लगी। मुझे उन्होंने मार दिया और बरामदे में दफन कर दिया। कुछ समय बाद मेरी आंखें खुली, जब मैंने देखा तो मेरी आत्मा ने मेरा शरीर छोड़ दिया था, पता नहीं क्यों, मगर मेरी आत्मा यही थी। मैंने उन दोनों भाइयों को जला के मार दिया और उनकी बीवियों को भी। उसके बाद ये लॉटरी का टिकट और मैं यही रह गए बस। गुलशन ने कहा, शायद आपका शरीर अभी भी इसी बरामदे में ही है, इसीलिए शायद आपकी आत्मा यही है। गुलशन बरामदे में जाता है और खुदाई शुरू करता है, मगर वो काफ़ी कठोर थे। गुलशन रजत के पास जाता है सहायता के लिए, और वो दोनों ही ऊपर की छत से छलांग लगाते हैं और दोनों बरामदे में जाते हैं और खुदाई करने लगते हैं। रजत कई सवाल पूछता है, मगर वो कुछ नहीं बताता और बस खुदाई करता है। कुछ समय बाद उन्हें एक कंकाल मिलता है। रजत भाग जाता है वहां से, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब गुलशन अकेले ही उस कंकाल को अंतिम संस्कार कर देता है और वो सत्येंद्र की आत्मा फिर कभी नहीं दिखती। रजत तो इतना डरपोक है कि वो बस जाने ही वाला था अपना बोरिया बिस्तर समेटकर, मगर गुलशन सब कुछ उसे बताता है। लॉटरी और सत्येंद्र की रियल हॉरर स्टोरी और कहानी के अंत में ये भी बताता है कि एक घड़ी जो उसे मिली है कंकाल से, उसके बारे में वो बताता है। वो घड़ी काफ़ी कीमती थी और उसे लेने से पहले उसने सत्येंद्र नौकर से भी पूछ लिया था, मगर कुछ समय बाद वो घड़ी अचानक गायब हो जाती है, जो कि एक रहस्य ही रह गया। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। आइए अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। वाहन न होने के कारण बीते 1.5 साल से महानगर की सुनी बियावान और लंबी सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चलती रही हैं। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, बस चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेती। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा कि पैर कहाँ पड़ रहे हैं पता ही ना चले, तो कहीं खंभों की लाइट से फूटते सफ़ेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती है। रोजाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हीं सूने और बियावान रास्तों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एक कदम चलना भी दूभर हो जाए। मई की बेरहम गर्मी, माथे से गिरता पसीना, और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी चलने लगे, माथे के पसीने से टकराती हवा ठंडी कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ़ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाते हुए मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक आँख एक जगह पर जाकर ठिठक गई। सड़क किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका था। वहीं पैरों के पास भी एक ब्रीफकेस जमीन पर रखा दिखाई दिया। सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी से, जिस कराने से उसने अपना सिर ढक रखा था, उससे तो वो किसी भले घर की ही गृहिणी लग रही थी। लेकिन इतनी रात गए वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो, और किसी कारण बस लेट होने पर महिला को देर रात
यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी या ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रही हो। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहाँ मिलेगा? शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा, शायद। सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया, नजरों से नजरें टकराई, मगर वो जरा भी नहीं झेपी, मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नामो निशान तक नहीं, वरना इतनी रात और सूनी रात में एक अकेली महिला कम से कम मुझ जैसे मवाली सरीखे इंसान को देखकर तो डर ही जाएगी। लेकिन वो लगातार घूरती रही, चेहरे पर ना कोई हाव ना कोई भाव, हाँ होठों पर मुस्कान बराबर जमी रही। मैं ही झेप गया, मुझे ही नजरें हटानी पड़ी, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एकदम से सिर झटक दिया, होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलटकर नहीं देखा, न जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। अब वो सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी, कहीं कोई भूत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब भयभीत करने लगा था। मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहता था। इसी तारतम्य में चाल में गजब की तेजी आ गई और बड़े बड़े डग भरने लगा। करीब 1.25 किलोमीटर ही चला था कि अचानक मुंह से चीख निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूर उसके सामने सड़क के किनारे उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी, कंधे पर बैग और जमीन पर ब्रीफकेस। ये कब यहाँ आ गई? एक ही रास्ता तो है, ना कोई गाड़ी निकली और ना ही वो पैदल दौड़ते हुए मुझसे आगे निकल गई। मेरा पूरा शरीर मारे डर के पसीने से तरबतर हो गया, लगा कि आज की रात आखिरी रात है, वो भूतिया औरत कुछ देर में मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। मैं बेतहाशा भागा, इतनी तेज कि पता ही नहीं चला कि कब वो औरत पीछे रह गई। भागता रहा और सीधे घर पर जाकर ही रुका। सांसें धौंकनी सी चल रही थी, घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम सुना डाला। हंसते हुए बोले, नूर चाचा, अरे कहीं बूचड़ खाने के पास की बात तो नहीं कर रहा? बूचड़ खाना? मैं बुदबुदाया, हाँ बूचड़ खाना, स्लाटर हाउस, जहाँ जानवर कटते हैं बेटा। वो सड़क बहुत खतरनाक है, बहुत हादसे होते हैं वहाँ, तेज रफ्तार बड़ी गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कि कई साल बस का इंतजार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था, तुझे ही नहीं बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। लेकिन बेटा, भली औरत की रूह लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं हैरान था और परेशान भी, अब कैसे निकलूंगा उस रास्ते से रात में पैदल, क्योंकि एक आत्मा यानी एक औरत की रूह से आमना सामना हुआ है मेरा, वो भी भली औरत की रूह। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। ऐसी सच्ची डरावनी और बेहद ही खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए लड़ी संडे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे फिर कुछ सच्ची और डरावनी कहानियों के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।